किसान आंदोलन को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक करने की कोशिश की और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा घोषित आंदोलन को देखते हुए सोमवार को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन परिसर में बैठा दिया। इसके बावजूद भी कुछ नेता नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं में थोड़ी नोकझोंक भी देखने को मिली। फिलहाल पूरे शहर में स्थिति सामान्य रही और कहीं भी आंदोलन का असर देखने को नहीं मिला। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, जाके क्या करेंगे अकेले? वही बात क्या कर रहा है ना, धरना स्थल जो होता है ट्रांजिशन में ये हक है। आपकी महिला है, आपकी किसान की रोटी आप हमारी खाने का अधिकार क्या है? बिल्कुल नहीं है। हम तो रहा है कौन समय बैठने देने, गिर क्या है, गिर क्या? मेरी बात का ऐसा शासन किसी नहीं लिखा था कि लोकतंत्र में हत्या का हत्या करते कर देंगे। बैठ जाओ शांति से। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फोटो खींच लो भैया, तब बता तक हो गई है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।
किसानों को नहीं छोड़ी है। किसान की बात है कि किसान सड़कों पर आ गए हैं और सड़कों पे आकर के कम से कम अपनी मांग मांग रहे हैं और कर रहे हैं और जनता की तो एक नहीं सुन रहे हैं। MSP जो अपने ही खेत में किसान मजदूर हुए हैं, हम लोग देखिए अब कभी बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, आगे ही बढ़ेगा। और
पासवान, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। आज किसान विरोधी बिल को लेकर के किसान सड़कों पर आकर के ठंड में बैठे हुए हैं, अपने प्रदर्शन अपनी मांग को लेकर के आज जगह जगह प्रदर्शन आज देशबंदी को लेकर के किसान सभी जगह अपने आंदोलन को जारी किए हुए, जिसको लेकर के आज गोरखपुर में पुलिस प्रशासन कांग्रेसियों को गिरफ्तार करके हमें भी गिरफ्तार घर से दो बार करके यहाँ महिला थाना लाया गया कि अपनी आवाज़ हम सड़कों पे ना ले जाए। हाँ, लेकिन इनके गिरफ्तार करने से, इनके किसी तरह की दबिश डालने से हम डरने वाले नहीं हैं। हम कांग्रेसी हैं, झुकने वाले नहीं हैं, टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे और लड़ते रहेंगे। कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन के समर्थन में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों का नगर निगम परिसर में धरना था और ये प्रदेश स्तरीय धरना था। ऐसे जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होते हैं, संवैधानिक व्यवस्था है कि उसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ सूचना दे दिया जाता है, जिसकी सूचना हमने एडीएम सिटी को दे दिया था। एडीएम सिटी ने भी कहा था कि इसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को घरों में कैद कर दिया, नज़रबंद कर दिया और हम लोग जब शांतिमय तरीके से धरने में जा रहे थे तो बदतमीजी करते हुए गोरखपुर की पुलिस भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर हम समाजवादियों को गिरफ्तार करके यहाँ लाने का काम किया है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी लाठी डंडे से डरने वाली नहीं है, हम मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के लोग अपने नेतृत्व के आदेश पर, निर्देश पर, किसानों के हित में, किसानों के समर्थन में हम लोग अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और किसानों को न्याय दिलाने का काम जरूर करेंगे।